चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में देखे थे स्कैटरिंग क्या होता है। इट इज द फिनोमिना ऑफ एक तरह का फिनोमिना था लाइट का, जहां पे लाइट आके एक पार्टिकल से स्ट्राइक कर रहा था एंड देन वो पार्टिकल उसको री रेडिएट कर रहा था, राइट। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे स्कैटरिंग के, जैसे रेड लाइट जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है उसका स्कैटरिंग कम हो रहा था, वायलेट लाइट जिसका वेवलेंथ कम है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू, पढ़े थे वाले एग्जांपल। फिर सन रेड क्यों दिखता है जब वो सनराइज और सनसेट होता है, फिर रेड सिग्नल्स क्यों बनाए जाते हैं, रेड को अपन कलर को यूज क्यों करते हैं फॉर इंडिकेटिंग डेंजर साइंस, ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें स्कैटरिंग वाज इन्वॉल्व। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी तक हम रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन क्या था, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, है ना, व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तब लाइट बेंड करती है। उसका रीजन हमने क्या पढ़ा था कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, राइट। एयर में उसकी स्पीड 3×10⁸ है, पर जैसे ही वो ग्लास या वॉटर या किसी भी अलग मीडियम में जाती है तो वहां उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है एंड अकॉर्डिंगली लाइट बेंड हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे तो एटमोसफेयर में तो सिर्फ एयर ही है और कोई दूसरा मीडियम तो है नहीं, तो यहाँ रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। देखो बेसिकली जो अलग अलग टाइप के हमने मीडियम पढ़े हैं वो किसके ऊपर थे, डेंसिटी के ऊपर। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हम उसे रेयरर मीडियम बोलते हैं और पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उसे हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। ये कंसेप्ट था, जैसे सॉलिड्स में पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं तो डेंसर, ठीक है, और लिक्विड में या गैस में पार्टिकल्स कम होते हैं तो रेयरर, ये होता है ना। सॉलिड में पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड तो डेंसर मीडियम, लिक्विड इज रिलेटिवली रेयरर, गैस इज रेयरेस्ट, समझ में आ रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स कम है। अब क्या एटमॉस्फेयर या अर्थ सरफेस से लेके ऊपर तक हर जगह एयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, कहीं ना कहीं एयर ज्यादा होगी कहीं एयर कम होगी, जहां ज्यादा होगी वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, जहां कम होगी वो रेयर मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ भी अलग अलग मीडियम है, तो यहां से जब लाइट आपके सन से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तब वो बेंड होते हुए अंदर आती है, वो स्ट्रेट नहीं आती, वो बेंड होते हुए अंदर आएगी, ठीक है। तो इससे फिनोमिना को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ये वाला जो फिनोमिना है कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, फिर अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीकेगा। एज वी मूव फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड्स, एज वी मूव फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड्स, एज वी मूव फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स मतलब एट हाइट, वहां पे एयर का प्रेशर कम होगा मतलब एयर कम होगी, पर जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी एयर की, मतलब ऊपर रेयरर मीडियम है नीचे डेंसर मीडियम है, ठीक है। अभी तो वी फील अनइजी ना, जब हम एक हाइट में जाते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है ना, ऐसी जगह जाते हैं जैसे जो ऊपर नॉर्थ में शिफ्ट है, जैसे लेह हो गया, लद्दाख ना, मनाली, ये जगहों पे आपका एयर प्रेशर बहुत कम होता है, आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये बहुत हाइटेड जगह पे, ठीक है। तो एज वी मूव फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड्स इन द एटमोस्फियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, द ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, द ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, द ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस। ऊपर कम था एयर, नीचे आ रहे थे, नीचे में एयर की डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे और डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, फुल स्टॉप। देयरफॉर A ray of light propagating from higher altitudes, therefore a ray of light propagating from higher altitudes, therefore a ray of light
propagating from higher altitudes to the surface of earth, to the surface of earth, to the surface of earth bends, bends, b-e-n-d-s, bends. Full stop. This results in a curved path of light waves. This results in the in a curved path of light rays, curved path of light rays. This phenomena is called atmospheric diffraction. This phenomena is called atmospheric diffraction. ये बना रहा डायग्राम, ये हाई एल्टीट्यूड है, यहां से जब लाइट ट्रैवल करते हुए सरफेस तक आएगी तो वो एक कर्व्ड पाथ लेते रहेगी क्योंकि वो बेंड होती जा रही है. ठीक है, आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है ग्लास का कितना था, वाटर का कितना, एयर का मैं स्पीड नहीं पूछ रहा हूँ, 1.00 थी एयर का, मतलब वन अप्रोक्सीमेटली वन एयर का वन. ठीक है, ग्लास का, वाटर का 1.33, वाटर का एंड ग्लास का 1.5. आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ये आपका मीडियम का डेंसिटी बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ना, एयर का 1, वाटर की डेंसिटी एयर से थोड़ी ज्यादा है 1.33, ग्लास की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है 1.5. ऑब्जर्व करें जो मैं बोल रहा हूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कैसे रहे थे अपन, वेलोसिटी ऑफ लाइटिंग एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइटिंग वाटर, यानी कि 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸, दिस वाज 1.33, राइट. एंड ग्लास के लिए क्या कर रहे थे हम, ऊपर तो वही रहेगा 3 × 10⁸, नीचे क्या आ जाएगा 2 × 10⁸, तो ये आएगा आपका 1.5. तो जैसे जैसे डेंसिटी ऊपर से नीचे आएंगे, डेंसिटी बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका बढ़ रहा है. समझ में आ रही बात, तो यहां भी तो यही हो रहा है ना, ऊपर थे तो डेंसिटी कम थी एयर की, पर जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो एयर की डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर से नीचे आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा. क्लियर है, तो यहां पे एरो जो मैंने ऊपर से नीचे बनाया ना, आप यहां पे लिख भी लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस. तो थंब रूल ये है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है किसी को, 2.42. ठीक है, तो जो सब्सटेंस ज्यादा डेंसर होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगी. ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये तीन तक हम पढ़े भी है ना, वैल्यू भी पढ़े, निकालना भी सीखे. ठीक है, डायग्राम सबका वो इसका कुछ फिनोमिना लिखते हैं, कुछ डे टू डे लाइफ वाले फिनोमिना जिसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, सन कैन बी सीन, श्योर है गुंजेश, समझ में आ रहा है? यस सर. सन कैन बी सीन 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज. सन कैन बी सीन 2 minutes before actual sunrise. ये लाइन समझ में क्या लिखे हैं? Sunrise होने से पहले से ही 2 minutes पहले से हमें सन दिखना चाहिए.
सूरज उगता है ना, हमें दिखता कब है, जब हमारे लाइन ऑफ साइट में सूरज आएगा तब दिखेगा हमें, समझ रहे, उसको अपन होराइजन बोलते हैं, सुने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने होराइजन, है ना, उस लाइन को हम होराइजन बोलते हैं जहां से हम स्ट्रेट देखेंगे तो हमें उस लाइन की सारी चीजें दिखेंगी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे मुझे उस टेबल के पीछे का नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो मेरे लाइन ऑफ साइट में नहीं है, जहां तक मेरी आंखें जा पा रही, मैं ऐसा तो नहीं देख पाऊंगा ना, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी आंख ऐसे तो नहीं देख पाएगी पीछे क्या है, तो मेरी लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट ही रहेगी, राइट। तो अगर सूरज मेरी लाइन ऑफ साइट के पास आए तब मुझे दिखेगा, बट यहाँ हम ऐसा बोल रहे हैं कि राइज होने से पहले दिखेगा, क्यों, मान लीजिए सूरज यहाँ पे है ना, अभी राइज नहीं हुआ, ये होराइजन है, ठीक है, मैं यहाँ तक देख सकता हूँ, बट सूरज यहाँ पे अभी, पर जब उसकी लाइट सरफेस में आएगी अपने अर्थ सरफेस में, तब वो बेंड होते हुए आएगी, क्योंकि जैसी वो लाइट एटमोसफेयर में घुसेगी वो बेंड होते जाएगी, और वो बेंड होकर मेरे पास ऐसे आएगी, और जब मैं स्ट्रेट देखूंगा तो मुझे सूरज यहाँ दिखेगा, एक्चुअली में सूरज यहाँ है, समझ रहे, ये 2 मिनट का डिले है, आया नहीं है पर दिख रहा है 2 मिनट्स अर्लियर। अब यही चीज सनसेट के समय भी होगी, डूबने के बाद भी दिखेगा 2 मिनट तक, ये होराइजन है, सन यहां है ना, बट उसकी लाइन ऐसे आ रही है मेरे पास बेंड होके, तो मुझे सन अभी यहां दिख रहा है, हालांकि वो नीचे है, मतलब सुबह होने से 2 मिनट पहले से सूरज दिखना चालू हो जाएगा और ढलने के बाद 2 मिनट तक दिखता रहेगा, इसको कहते हैं एडवांस्ड सनराइज, एडवांस पहले से सनराइज हो गया, और इसको फिर क्या बोलेंगे, डिलेड सनसेट, आप क्या बोल रहे हो, डिलेड सनसेट, सनसेट होने के बाद भी दिख रहा है, तो ऐसे पूरे दिन का 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, मतलब डे टाइम 4 मिनट बढ़ गया, ये नहीं बोलना कि 24 घंटा 4 मिनट होता है क्या एक दिन, नहीं, वो तो दिन तो 24 घंटे का ही है, बट उसमें एक डे टाइम होता है और एक नाइट टाइम होता है ना, तो डे टाइम 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना, समझ रहे हैं, देखो सन कैन बी सीन 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, ब्रैकेट में लिखना एडवांस्ड सनराइज, इसको क्या बोलते हैं अपन, एडवांस्ड सनराइज, एडवांस्ड सनराइज, एंड 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, एंड 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, के ब्रैकेट में डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट, क्लियर है ना, इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते, कैसा ऐसा क्यों हो रहा है, देखो नीचे, द सन शुड बी सीन बाय द ऑब्जर्वर, द सन should be seen by the observer, the sun should be seen by the observer when it reaches the horizon, when it reaches the horizon, because in this case the sun is in the direct, because in this case the sun is in the direct line of sight of the observer, direct line of sight of the observer, line of sight of the observer, ye line samajh aa rahi hai, maine bata diya aap logo na line of sight kya hoti hai, theek hai, apne sight ka ek line, theek hai, the sun should be seen by the observer when it reaches the horizon, because in this case the sun is in the direct line of sight of observer, full stop, but sun is seen before it reaches the horizon, but sun is seen before it reaches the horizon, before it reaches the horizon. So stop, this can be explained by atmospheric refraction, atmospheric refraction.
इसका एक्सप्लेनेशन लिखना क्या हो रहा है. एज अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सन एंटर्स द अर्थ एटमोस्फियर, एज अ रे ऑफ लाइट enters the Earth's atmosphere, it follows a curved path, it follows a curved path due to atmospheric refraction, it follows a curved path due to atmospheric refraction. And reaches the observer. And reaches the observer. And reaches the observer. Stop. It appears to the observer. It appears to the observer. It appears to the observer as if the rays are. As if the rays are coming from a higher point. Okay, what's up? Thus the sun is seen 2 minutes before the sunrise. The sun reaches the horizon. Thus, the sun is seen 2 minutes before. Thus, the sun is seen 2 minutes before the sun reaches the horizon. 2 minutes before the sun reaches the horizon. ठीक है. अब same phenomena sunset के लिए भी होगा. उसको अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना द सेम फिनोमिना टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सनसेट. द सेम फिनोमिना टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सनसेट. सेम फिनोमिना टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सनसेट. उसका द सन इज सीन 2 मिनट्स आफ्टर द सन हैज गॉन बिलो होराइजन. The sun is seen 2 minutes after the sun has gone below the horizon. The sun is seen 2 minutes after the sun has gone below the horizon. Total 2 or 2, 4 minutes ka day ka time bad jayega. To full sabal ke last line likhna. Therefore, the duration of day increases by, therefore the duration of day increases by, therefore the duration of day increases by 4 minutes. Therefore the duration of day increases by 4 minutes. Aur iska pura reason kya hai? Atmospheric, due to atmospheric refraction, due to atmospheric refraction, due to atmospheric refraction. ठीक है, बना लो इसको. ये आपका अर्थ हो गया, ये अर्थ सर्फेस हो गया, ये ऑब्जर्वर है आपका मान लीजिए. ये एटमॉस्फेयर, ये है सन का एक्चुअल पोजीशन ड्यूरिंग सनराइज. ये लाइन जो मैंने बनाई है ये है होराइजन. ठीक है, और ये है उसका वर्चुअल इमेज. वर्चुअली बोलेंगे ना, क्योंकि रियल में तो सन नीचे है, हमें दिख वहां रहा है. ठीक है, वर्चुअल इमेज. ठीक है,
अंदर देखना, जैसे ही एटमोसफेयर में एंटर करा तो कर्व पाता है, पर हम तो इसी को यहीं से देखेंगे, लाइट को ऐसे स्ट्रेट जस्ट लाइक वो पेंसिल का बेंडिंग देखे जरा, कैसे ग्लास के अंदर पेंसिल हमें बेंड दिखती है। Then, ये फर्स्ट फिनोमिना हुआ। सेकेंड लिखना, सेकेंड फिनोमिना, स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजिशन। स्टार्स अपीयर हायर, स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजिशन, देन देयर एक्चुअल पोजिशन। उसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये स्टार है, अगेन सरफेस ऑफ अर्थ ऑब्जर्वर, ये मान लेते हैं एटमॉस्फेयर। स्टार से लाइट जब आएगी तो इट विल बेंड, ये एक्चुअल पोजीशन है एंड इट विल बी सीन स्लाइटली हायर। ठीक है, देखो इसका नीचे आंसर, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, on entering the Earth's atmosphere, on entering the Earth's atmosphere, follows a curved path, follows a curved path, follows a curved path due to atmospheric refraction, due to atmospheric refraction. It appears to the observer, it appears to the observer as if the rays are coming from, as if the rays are coming from a point higher than the actual position, as if the rays are coming from a point higher than the actual position, higher than the actual position. Okay? बना लो इसको भी। डॉटेड लाइन से बनाना इसको ना। यहां तक स्ट्रेट बनाना, ठीक है, जब तक वो एटमॉस्फेयर के बाहर है, जहां वो एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा उसके बाद से कर्व पाथ स्टार्ट होगा।
और फिर ऐसा अगर हम देखेंगे तो हमने थोड़ा सा ऊपर नजर आए. दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार. ये रहा स्टार का इमेज, यहाँ पे है ऑब्जर्वर और ये है एटमॉस्फेयर. ठीक है चलो, थर्ड फिनोमेना लिखना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स सुना होगा ना, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स. ठीक है, बट एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं करते ना. अगर किसी बल्ब की लाइट इंटेंसिटी कम ज्यादा करते रहो ऐसा लगेगा वो ट्विंकल कर रहा है, लाइट उतनी भेज रहा है, पर अगर उसके सामने आपने एक कुछ धुआं लाया, फिर धुआं हट गया, फिर धुआं आया, फिर धुआं हट गया, ऐसा कुछ हुआ, आपको वो इंटेंसिटी क्या लगेगी, ज्यादा कम लगेगी, इसी को ट्विंकल का नाम दे देते हैं. बट एक्चुअली में स्टार जो है वो सेम इंटेंसिटी की लाइट एमिट करता है, बट ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ एयर, कभी स्टार्स के सामने एयर ज्यादा है कभी कम है, तो उसके कारण उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है, तो उसको हम ट्विंकलिंग का नाम देते हैं. बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते ना, प्लैनेट्स है ना, क्योंकि प्लैनेट्स थोड़ा पास होते हैं, स्टार्स थोड़े दूर होते हैं. दूर होने के कारण स्टार्स हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे दिखते हैं ना, सिर्फ एक पॉइंट है. स्टार्स भी बहुत बड़े, बट जस्ट बिकॉज वो बहुत दूर है, दे आर फार अपार्ट, है ना, तो हमें वो एक पॉइंट जैसे ही दिखते हैं. और प्लैनेट उनसे थोड़े बड़े दिखते हैं क्योंकि प्लैनेट्स थोड़े हमसे पास में कंपेयर्ड टू स्टार्स. ठीक है, तो वो बड़े दिखेंगे तो उनमें अगर ये एयर का डेंसिटी कम ज्यादा भी होगा ना, तो ओवरऑल वो एक पॉइंट बस नहीं रहेगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा हमें, तो उसमें कुछ जगह लाइट दिखेगी, कुछ जगह नहीं दिखेगी, तो हमें वो ट्विंकल होता हुआ नजर नहीं आएगा. ठीक है, स्टार्स का क्या, एक बस पॉइंट है, उस पॉइंट को आप छुपा सकते हो, बट एक बड़ी चीज को आप नहीं छुपा सकते. वो बड़ी चीज क्यों दिख रही है ना, क्योंकि वो पास में. ये रीजन है कि प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल या डू नॉट अपीयर टू बी ट्विंकल, बट स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकल. अपीयर बोलना वर्ड सही है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, एक्चुअली वहां ट्विंकल नहीं कर रहे हैं. ट्विंकल करने का मतलब प्रॉपर होना चाहिए कि उनकी लाइट अपने आप कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसको ट्विंकल बोलेंगे. बट उनके एंड से कुछ नहीं हो रहा है, वो एयर की डेंसिटी है उनके आमने सामने, जिसके कारण हमें वो ट्विंकल होते हुए नजर आ रहे हैं, अपीयर टू ट्विंकल. ठीक है, उसको लिखो स्टार्स या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हाइफन डाल के लिखना. The light from stars reaches us after atmospheric refraction. Stop. The atmosphere is not steady. Steady का मतलब constant नहीं है atmosphere, कहीं भी किसी भी जगह पे, है ना? Is not steady, steady है ना? ठीक है? Because of the changes in temperature and air mobility. इसका क्या मतलब हुआ? Air mobility. What do you mean by mobility? Mobile. Mobile का मतलब क्या होता है? Movable. जिसको अपन move करा सकते हैं, that is mobile. Immobile जो move नहीं कर सकता. ठीक है? तो उसको ऐसे याद रखना, मोबाइल लेके तो हम घूम सकते हैं ना, वो लैंडलाइन लेके घूम सकते हो क्या? नहीं, वो इमोबाइल है, और ये मोबाइल है, इसका नाम है इसलिए मोबाइल है. ठीक है, ओके.
तो एयर की मोबिलिटी बार बार चेंज होगी, मतलब एयर मूव करती रहेगी, टेम्परेचर कम ज्यादा होने के कारण भी एयर की डेंसिटी कम ज्यादा होगी, ठीक है। देयरफॉर इन सब डाल के देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन अ गिवन रीजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन अ गिवन रीजन keeps on changing. मतलब हम अर्थ सरफेस में बोल देते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, पर ऐसा ऊपर ट्रू नहीं है, ठीक है। वहां पे एयर की डेंसिटी कम ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम ज्यादा होता रहेगा, रैंडम, कुछ फिक्स नहीं है, कोई रूल नहीं है कि सुबह इतना रहेगा शाम को इतना रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, एयर कैसे मूव कर रही है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अस, is not always the same. Therefore, stars appear twinkling. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्टार्स की कांस्टेंट लाइट होती है, वो अपने से ट्विंकल नहीं करते हैं, बट उनके आस उनके सामने की जो एयर है वो अगर कम ज्यादा होगी तो हमें इंटेंसिटी कम ज्यादा लगेगी। अभी एयर कम है तो हमको इंटेंसिटी ज्यादा लगेगी स्टार की, अब एयर अगर ज्यादा आ गई उसके सामने तो हमें इंटेंसिटी कम लगेगी, तो यही कम ज्यादा इंटेंसिटी को अपन ट्विंकल नाम दे देते हैं, ठीक है। लास्ट लिखना, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. इनके सामने भी एयर कम ज्यादा हो रही है, बट ये पास है तो ये बड़े दिखते हैं, ठीक है। चलिए इसमें लिखना, stars are very far away and thus acts as a point source of light, and thus act as a point source of light, acts as a point source of light. पॉइंट सोर्स समझ रहे हैं ना, लगेगा कि एक पॉइंट से बस लाइट आ रही है, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, फुल स्टॉप। लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक चेंजेस, लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इफेक्टेड बाय द एटमोस्फियरिक चेंजेस, वही एयर मोबिलिटी, टेम्परेचर। तो स्टार्स के सामने एयर कम ज्यादा होगी तो उसकी लाइट इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इफेक्टेड बाय द एटमोस्फियरिक चेंजेस, ठीक है। अ प्लैनेट इज नियरर एज कंपेयर टू स्टार्स, A planet is nearer as compared to stars. And therefore appears bigger. And cannot be treated as point source. प्लैनेट के किसी एक पॉइंट का इंटेंसिटी कम भी हुआ तो उतना नोटिसेबल नहीं रहेगा, मतलब ये एक बड़ा प्लैनेट है, अगर इसका एक पॉइंट का में इंटेंसिटी कम भी रहा तो हमें पूरा प्लैनेट तो वैसा का वैसी इंटेंसिटी दिखेगा ना, इसलिए ये ट्विंकल होते हुए नजर नहीं। तो क्या लिखे, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स डिक्रीजेस,
इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स इंक्रीजेस, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स डिक्रीजेस, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस फ्रॉम द अदर, इट इंक्रीजेस फ्रॉम द अदर, फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस फ्रॉम द अदर. मतलब प्लैनेट के इस पॉइंट से लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो दूसरे पॉइंट में ज्यादा होगी, तो ओवरऑल एवरेज सेम रहेगा. ठीक है, सच दैट द ओवरऑल एवरेज रिमेन्स द सेम, सच दैट द ओवरऑल एवरेज रिमेन्स द सेम, सच दैट द ओवरऑल एवरेज रिमेन्स द सेम. देयरफॉर प्लैनेट्स डू नॉट अपीयर टू ट्विंकल, therefore planets do not appear to twinkle. Clear? चलिए NCERT निकाल लो फटाफट, इसके इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी, चैप्टर खत्म करते हैं आज. पेज नंबर बताना मुझे कौन से पेज नंबर पे है. पहला क्वेश्चन 190, पेज नंबर 190 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन, यही है इसका डेफिनेशन. नोट्स में लिखे हैं अपन, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ क्या है ये. हमारे आई के अंदर एक लेंस है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, याद है. हाँ, याद है स्ट्रक्चर. कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, फिर आयरिस. आयरिस वाज कंट्रोलिंग द ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज प्यूपिल. प्यूपिल के पीछे लेंस, लेंस और इनको कंट्रोल करने के लिए सीलरी मसल्स. देन विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व. ठीक है, ये जो लेंस हमारे आई में पहले से इंस्टॉल्ड है ना, वो एक ही फोकल लेंथ का नहीं होता, वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है. मुझे पास के ऑब्जेक्ट को देखना है तो फोकल लेंथ कुछ और होगी, मुझे दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो फोकल लेंथ कुछ और हो जाएगी. समझ रहे हैं, तो ये जो चेंजिंग करने का एबिलिटी है ना, द एबिलिटी ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं. ठीक है, हमने नोट्स में लिखा था डेफिनेशन इसका, तो मैं वापस यहां नहीं रिक्वायर हूं, हो जाएगा ये. और वो ये चेंज कैसे करता है, वो सीलरी मसल्स से. ये जो ऊपर मसल्स है ना, ये सीलरी मसल्स होते हैं. और ये किस टाइप के मसल्स हैं, इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है. मैं ऐसे आपको आंख में टॉर्च मारूंगा तो डेफिनेटली आप आंख बंद करोगे, दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, वो अपने आप बंद होगी. ठीक है, क्लियर है. चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, उसी चैप्टर उसी उसका है पेज में. अ पर्सन विद अ मायोपिक आई, क्या था मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, इसको कहते हैं अपन मायोपिया. ओके, तो अ पर्सन विद अ मायोपिक आई, ये पढ़ाऊंगा आपको. व्हाट कौन चलो आया नहीं है. अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली. पहले जब वो नॉर्मल आई के साथ था तो उसको इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट दिखते थे, पर अब उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से शिफ्ट होके 1.2 मीटर पे आ गया है. हमने किया ना न्यूमेरिकल इस टाइप पर. ओके, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन. कॉनकेव, यहाँ कुछ और कैलकुलेशन करने नहीं बोला है. मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके आई का पावर बढ़ गया, लेंस का पावर बढ़ गया, ये हर टाइप के लाइट को बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है. तो बहुत ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो ये यहीं पे कन्वर्ज हो जाएंगे लाइट, जबकि उनको कन्वर्ज होना था रेटिना पे.
तो हमको इमेज नहीं दिखेगी। उनको होना चाहिए था यहाँ पे, पर पावर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले ही कन्वर्ज करा रही है। इसी को डिफेक्टिव आई बोल रहे हैं। दिस इज व्हाट इज मायोपिक आई लुक्स लाइक। मैंने बोला था ना कि मायोपिक आई बनाने को भी आ सकता है, तो उस समय आपको इमेज रेटिना पे नहीं बनानी है, कहाँ बनानी है? पहले, और हाइपरमेट्रोपिया पे बाद में, पीछे बन रही है। हमें ऑब्जेक्ट का इमेज तभी दिखेगा जब वो रेटिना में कन्वर्ज करेगा। अगर वो रेटिना के पहले मायोपिया, रेटिना के बाद में हाइपरमेट्रोपिया। पहले हो रहा है मतलब आईबॉल लंबा हो गया है, बाद में हो रहा है मतलब आईबॉल छोटा हो या पावर कम हो गई है। पहले केस में या तो पावर बढ़ गई है। समझ में आ रही बात? ये वाला क्वेश्चन लिख लो, पेज नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा। आपसे डिफेक्ट भी पूछा है ना? नहीं, डिफेक्ट नहीं पूछा है। मायोपिया तो बता ही दिया ना डिफेक्ट, तो डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। बस इतना लिख लेना आंसर, पेज नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 2, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। क्लियर है? चलो अगला थर्ड क्वेश्चन उसी पेज में, ये भी अपन लिखे नोट्स में, पढ़ो क्वेश्चन। What is the far point and near point of the human eye with a normal vision? है ना, far point infinity होता है and near point very infinity. समझ गया? अब मेरा, but मेरा near point, sorry, far point infinity नहीं है, ठीक है? जिनको भी मायोपिया है, जिन्होंने भी चश्मा पहना हुआ है, उनका far point अब infinity नहीं रहा, अब उनका far point आगे shift हो चुका है, ठीक है? चलो, clear है यहाँ तक? तो ऐसा question भी आ सकता है, what is the फार पॉइंट फॉर अ मायोपिक आई? तो क्या बोलोगे? इन्फिनिटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो नॉर्मल आई के रहे, तो लेस देन इन्फिनिटी बोलना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना, सबका अलग अलग है। यहाँ मेरा पावर अलग है, इनका पावर अलग है, आपका पावर अलग है, सबका पावर अलग है, सबकी आँख अलग अलग टाइप की खराब हुई है, किसी की ज्यादा खराब हुई है, किसी कम खराब हुई है। तो जितनी जिसकी ज्यादा खराब होगी उसका और ज्यादा शिफ्ट होगा सामने, समझ रहे हो? है ना, तो मैं अगर अनवी तक प्रॉपर देख पा रहा हूँ तो हो सकता है अनवी ये लैपटॉप तक ही देख पा रही है प्रॉपर, समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन उसी पेज में, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग द लास्ट रो, लास्ट बेंच में बैठा है तो उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम? मायोपिया, ठीक है, दूर का नहीं दिखना। इसका उसका नाम भी है ना, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो मायोपिया। एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड? अगेन कॉनकेव लेंस, सिंपल, बस यही है। इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है, चलो एक्सरसाइज में आ जाओ, ये हो जाएगा। इसको लिख रही है ना क्वेश्चन नंबर 4, इसको है मायोपिया एंड कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। The human eye can focus object at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. अभी बताया था, क्या था ये? Power of accommodation. This is power of press biopia, तो defect है. Accommodation नहीं होगा, near sightedness मतलब short sightedness. Short को ही near sightedness ही बोल सकते हैं, तो myopia. And far sightedness मतलब long sightedness, यानी कि hypermetropia. ठीक है, ये तीनों तो defects है. Clear है? तो answer ठीक है ना, accommodation. सेकेंड क्वेश्चन देखो, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। अगला ये भी हो जाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब आपसे नियर पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज आपको प्रॉपर दिखेगी। आई कैन रीड ईच एंड एवरी वर्ड, बट अगर इसको मैं एकदम पास कर दूं तो नहीं दिखेगी। आई कांट रीड एवरी वर्ड डिस्टिंक्टली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंसेस इज डन बाय द एक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स, ठीक है। सीलियरी मसल्स भी आपके इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स, इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ ciliary muscles. चलो नेक्स्ट, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर माइनस 5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन मतलब ये दूर का नहीं दिख रहा है, है ना, तो करेक्ट हिज डिस्टेंट विजन बोल रहा है ना, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, यानी कि मायोपिया है,
यानी कि कॉन्केव लेंस, और वैसे ही पावर माइनस में दिया है। पावर माइनस मतलब फोकल लेंथ माइनस, और फोकल लेंथ किसकी माइनस होती है? कॉन्केव की। समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो सबको? ओके। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, उसको नियर विजन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया बाद में, इसको प्राइस बायोपिया भी हो गया ना, अभी जब ये अपने एज में रहा होगा तो ये तो दूर का नहीं दिख रहा होगा, अब ये एजेड हो गया तो इसको पास का भी नहीं दिख रहा है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। बाइफोकल लेंस याद है? कहते थे बाइफोकल लेंस, ऊपर वाला कॉन्केव और नीचे वाला सर्कल कॉन्वेक्स, ऐसा कुछ था लाइक दिस, नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स रहेगा जो आपको पास का दिखाएगा, और ऊपर वाला पार्ट कॉन्केव रहेगा जिससे आप दूर का दिख पाओ। चलो तो क्या बोल रहा है, वॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। ये दोनों का पावर दिया, फोकल लेंथ निकल जाएगा। अब तक फोकल लेंथ दिया रहता था, पावर निकालने पूछता था, अब पावर दिया आपको, फोकल लेंथ निकालने बोला है। फॉर्मूला वही यूज होने वाला है, क्या फॉर्मूला अपना? पावर इज इक्वल्स टू 1/focal length इन मीटर्स। ठीक है, तो अब आपको पहले क्या बोला, डिस्टेंट विजन ना, डिस्टेंट विजन के लिए करते चलो साथ में, डिस्टेंट विजन के लिए हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉन्केव, राइट। तो फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 1/P, यानी कि 1/-5.5 डायोप्टर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मीटर में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर सेंटीमीटर में हो जाएगा। देखो फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में लिखेंगे, पावर हमेशा डायोप्टर में लिखेंगे, तो इसको सेंटीमीटर में निकाल के देखो कितना आ रहा है। कैसे करेंगे? डायोप्टर को पर मीटर लिख सकते हैं ना, आया ना? ये पर मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर ऊपर चला जाएगा ना, मीटर अपॉन माइनस 5.5, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, 100 अपॉन 5.5 कर लो, इतना सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आ जाएगा फर्स्ट का। या 1/5.5 करो, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, एक ही मतलब है ना? क्लियर अपूर्व, तू आगे बैठे हुआ था ना आज, और तू पहले आ गया था ना, मेरे को बता दू। समझ गया ना कैसे हुआ? हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है ना। हमेशा याद रखना, फोकल लेंथ अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमेशा सेंटीमीटर में होता है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो और फिर 1 से डिवाइड करो, तब पावर डायोप्टर में आएगा। अब अगर पावर डायोप्टर में दिया हुआ तो उल्टा प्रोसेस करो, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करो, वहां हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर वी डिवाइडेड बाय 100, एंड टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? सारा 18.7 नहीं आएगा, 18.2 आना चाहिए। ये पॉइंट हटा सकते हो, देखो कैसे होगा, ऊपर 1000 कर दो, नीचे 5 पॉइंट हटा दो, कर सकते हैं ऐसा? तो 55/10 लिखोगे, ऊपर जाएगा 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं? अब इसको डिवाइड करो, ये तो एक ही बार में जाएगा, 55 बचेगा, 45 ये नीचे ले आता हूँ। अब अगर जब ये 50 होता ना तो सीधा 9 टाइम्स में चला जाता है ना, 50 × 9 = 450, बट ये 50 नहीं है, ये 9 टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा? 8। 8 × 5 = 40 का 0 कैरी 4, 8 × 5 = 40 + 4 = 44। समझ रहे हो ना? राइट, पॉइंट के बाद एक 0 ले आओ नीचे, 7 कैसे आएगा? 1 टाइम में जाएगा 55, ये रिपीट होता रहेगा, समझ रहे हो? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते ना, तो क्या बोलता है मैथ्स में पढ़ते ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वाला ना चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। हाँ? नहीं ये आएगा ना वापस, देखो ये तो वापस यही चीज हो गई ना, अब थोड़ा चेंज रहेगा, अभी भी 8 टाइम्स नहीं जाएगा वो, तो 18.18 है, तो 8 को अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा होता ना तो उसके पहले वाला एक राउंड ऑफ होके आगे बढ़ जाता, इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, पता है ये चीज? अगर मैं बोलूं कि 18.548 है, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करो डेसिमल के बाद दो ही पॉइंट में, अभी तो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है ना, but if I want to express this number in
टू डेसिमल प्लेसेस तो मैं 18.55 कर दूंगा, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है। अगर ये नंबर 5 से छोटा होता तो ये 4 ही रहता, 5 नहीं होता। मैं क्लियर, यहाँ 18.18 था, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है तो वो 18.2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो आलस नहीं करना है ना, कैलकुलेशन करना है, कितना टाइम लगता है। चलो दूसरा निकालो जल्दी से, फार विजन वाला। फार विजन के लिए आपको पावर कितना दिया हुआ है? 1.5 चेक करो थोड़ा, पॉइंट का डिफरेंस, पॉइंट का कुछ गलती कर रहे हो। मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। फार विजन के लिए, सॉरी फार विजन तो यही था, लिनियर विजन के लिए उसको पावर है प्लस 1.5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/p 1/1.5 यानी कि 10/15 यानी कि 1000/15 सेंटीमीटर, 1000/15 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 1000 को डिवाइड करते हैं चलो 15 से, 6 टाइम्स में 90, फिर 6 टाइम्स में 90 ये चलता ही रहेगा, राइट? 66.66666667 100 से मल्टीप्लाई किया ना, और 10 कैसे आया तो 1.5 को 15 कर दिया। देखो ये समझ में आया 10/15 क्यों हुआ, क्योंकि वो पॉइंट हट गया। अब इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो बताया था अगर डायोप्टर में तो पहले उसको मीटर फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल आंसर सेंटीमीटर में आना चाहिए, चलेगा मीटर में भी चलेगा, तो 0.67 मीटर आना चाहिए। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो 0.67 मीटर भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो जैसा आप कर रहे हो वो भी कर सकते हैं, बट करना सही है ना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, इस टाइप का क्वेश्चन अपन किए हैं तो ये बनना चाहिए, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, मतलब फार पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट होकर 80 आ चुका है, याद है अपन ट्रिक लिखे थे, किसको यू लेना है, किसको एफ, क्या बी है ना। What is the nature and power of lens required to correct the problem? Check करो पीछे, हम जहाँ पे numerical solve किए थे इसका। जब भी आपका ये question myopia का है ना, far point infinity से 80 सेंटीमीटर पे आ गया है, मतलब पहले मैं दूर तक देख पाता था, अब मुझे दूर तक नहीं दिखता है, 80 सेंटीमीटर में कोई चीज होगी तो मुझे दिख जाएगी, पर अगर 80 सेंटीमीटर के पीछे कोई चीज रखी है तो मैं प्रॉपरली नहीं देख पाऊंगा, मुझे धुंधला दिखेगा, समझ रहे हैं, मतलब डिफेक्ट हो चुका है आपको माइनस। ये तो उसमें करना क्या रहता है, एक बार देखो हम क्या लिखे थे वहां पे, एक मैंने नोट लिखवाया था, दोनों ने दो न्यूमेरिकल हमने मायोपिया के किए थे उसका नोट लिखवाया था, फिर दो न्यूमेरिकल हमने हाइपरमेट्रोपिया के किए उसका भी नोट लिखवाया था। तो क्या लिखे थे नोट में कि जब भी मायोपिया का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे अपन, यू को इन्फिनिटी ले लेंगे है ना, तो मैं तो सही तो कर रहा हूँ,
कॉपी में पीछे देखो ना बेटा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था, अब वो मुझे वहां नहीं दिख रहा है, अब 80 सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा ना पहले उसको, तो इमेज क्या होनी चाहिए? माइनस 80 सेंटीमीटर। तो एफ क्या हो जाएगा? एफ निकालना है ना मुझे, 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, 1 by f is equals to 1 by minus 80, या f is equals to minus 80 centimeter, ठीक है, f is equals to minus 80, पावर निकालने बोला है ना, तो पावर हो जाएगा 1 upon minus 80, बट इसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप यहीं पे कर दो ना, f is equals to minus 80, यानी कि f is equals to minus 0.8 मीटर, डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए डिवाइड बाय 100, मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए जो पहले क्वेश्चन में किए इसके पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो यही पुट कर देते हैं डायरेक्टली 0.8 1 अपॉन 0.8 यानी कि 10 बाय 8 यानी कि 1.25 माइनस फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अरे सर के न्यूमेरिकल किए हैं अपन। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया वाला है, इसको कैसे करेंगे देखो, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, ये हो जाएगा, क्या लगाएंगे एक सामने कॉन्वेक्स लेंस, पहले से अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस है बट वो खराब हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए सामने कॉन्वेक्स लेंस और लगाएंगे, तो वो हो गया आपका करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, वो अपन बनाए हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल है, देखो द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, नियर पॉइंट नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है, बट अब ये 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट 1 मीटर में शिफ्ट हो गया है, मतलब अब 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज मुझे ठीक से नहीं दिखेगी, इसी को कहते हैं फार साइटेडनेस, पास का नहीं दिख रहा है पर दूर कर दिया, बोलते ना दिया तले अंधेरा, सबसे ज्यादा अंधेरा दिया के नीचे ही होता है, सुने कहावत है, तो बगल में छुरा गांव में ढिंढोरा, ये भी उसका कहावत है, पास का नहीं दिख रहा है दूर का दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था मैं, तो इसकी जो नियर पॉइंट है, अब क्योंकि नॉर्मल नहीं रहा आई तो वो शिफ्ट होके 25 की जगह 1 मीटर चला गया, राइट, तो अब उसमें क्या लिखे थे अपन हाइपरमेट्रोपिया में, कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन क्वेश्चन को, यू को माइनस 25 और ये जो 1 मीटर दिया है इसको अपन बी दे देंगे माइनस 100, 1 मीटर है ना 100 करेंगे ना, ऐसा दोनों उसको 25 और इसको 1 ले रहे हैं, वो सेंटीमीटर में ये मीटर में, दोनों को एक ही यूनिट में रखेंगे ना, ये तो बेसिक है, क्या क्या हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस 25, अब देखो ये तो कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है बट ये नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने u को इंफिनिटी ले लिया था, जैसे वो नॉर्मल आई का फार पॉइंट, ये नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है, तो वही यू होता है, तो मतलब फिक्स है, मतलब अगर मायोपिक आई वाले क्वेश्चन है तो यू को इंफिनिटी लेना है, हाइपरमेट्रोपिक वाला आई का क्वेश्चन है तो यू को माइनस 25, वहां माइनस 25 फिक्स है ये। अब जो दूसरी चीज दी हुई होगी ना क्वेश्चन में, मतलब जो भी नई चीज दी हुई होगी क्वेश्चन में वो आपका वी होगा, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था 80 तो वो वी हो गया, इस क्वेश्चन में क्या दिया है 1 मीटर तो वो वी हो गया, ये ट्रिक था ना माइनस 100 सेंटीमीटर वही 1 मीटर, ठीक है डन, अब लगा लो फॉर्मूला, एफ निकालना है 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, 1 by minus 100 minus 1 by minus 25, minus minus plus of power, आपके लोग भी निकालो जल्दी से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 1 by f is equals to LCM will be 100 है ना, minus 4
सॉरी माइनस वन प्लस फोर थ्री बाय हंड्रेड थ्री हो जाए तो एफ हो जाएगा हंड्रेड बाय थ्री सेंटीमीटर. अभी मत चेंज करो उसको पॉइंट वन पे क्योंकि अल्टीमेटली हंड्रेड तक कट जाएगा ना जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे. ठीक है अदर ठीक है एफ आ गया तो ये सेंटीमीटर में मीटर में कितना हो जाएगा वन बाय थ्री मीटर. हंड्रेड से डिवाइड करोगे हंड्रेड हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा है ना क्लियर है ना वन बाय थ्री मीटर. तो फोकल पावर कितना हो जाएगा वन बाय एफ यानी कि थ्री डायोप्टर. पॉजिटिव आना भी चाहिए पावर क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है. एम आई क्लियर? चलो बाकी के सारे क्वेश्चन हमने कॉपी में लिखे हुए हैं पहले से ही तो आप एक बार बस एट और नाइन्थ देख लो बस. Why is the normal eye not able to see clearly the object placed closer than 20 centimeter, 25 centimeter? Actually, ये रिसर्च से ही पता चला ना कि 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को हम देख लेंगे क्योंकि हमारे सीलियरी मसल्स का एक लिमिट होगा ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का. समझ रहे एक हद तक वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक हद तक वो रिलैक्स होंगे तो वो जो हद है ना वही इंफिनिटी और 25 सेंटीमीटर. समझ रहे दूर का देखने के लिए वो कितना रिलैक्स है कितना कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं पास का देखने के लिए वही उनका लिमिट है जिसको फार पॉइंट को हम इंफिनिटी बोल देते हैं और नियर पॉइंट को 25 बोलते हैं. और इंफिनिटी का मतलब क्या है जहां तक मेरा लाइन ऑफ साइट जा रहा है वो इंफिनिटी. जैसे इस साइड में मेरा इंफिनिटी ये पर्दा है सामने मेरा इंफिनिटी वो वॉल है वहां मेरा इंफिनिटी वो दो चेयर है समझ रहे यहाँ मेरा इंफिनिटी है ट्यूबलाइट है. समझ में आ रहा है ठीक है ना चलो तो ये हो जाएगा. दिस इज बिकॉज द सीलरी मसल्स cannot change the focal length beyond a certain limit. एक लिमिट तक वो focal length को सेट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं उसके बाद नहीं. ठीक है लिख लो उसका आंसर दो लाइन देने जल्दी से. क्वेश्चन नंबर एट जल्दी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एट. दिस इज बिकॉज द सीलियरी मसल्स cannot चेंज दिस इज बिकॉज द सीलियरी मसल्स डू नॉट सॉरी cannot चेंज ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं है चेंज करना पर वो कर ही नहीं सकते. ठीक है डू नॉट होगा तो वो तो जिद वाली बात होगी ना कि मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं करूँ वो कर ही नहीं सकते. ठीक है तो कैन नॉट चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस दिस इज बिकॉज द सीलियरी मसल्स कैन नॉट चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट बियॉन्ड अ certain limit. ठीक है चलो लास्ट नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो. What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of object from the eye? क्या होगा क्वेश्चन पढ़ो वापस. मतलब रेटिना पिक्चर आएगा इमेज तो हर बार रेटिना में बनेगी ना इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा. आप कितना यही तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है आप कितना भी दूर जाओ कितना ही पास जाओ इमेज हमेशा आई लेंस से रेटिना में ही बनने वाला है. आंसर द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स द सेम तो रेटिना आगे पीछे होता रहता सोचो. ठीक है द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स द सेम as the distance between eye lens and retina remains same. The image distance remains the same as the distance between eye lens and retina remains the same. So change kya hota hai? Focal length. Power of accommodation. Theek hai? Samajh mein aa rahi baat kya bol rahe hai? इमेज तो और बार रेटिना में बनेगी ना और रेटिना तो एक ही जगह फिक्स है ना भाई रेटिना तो ना आगे पीछे हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा चेंज क्या होगा फोकल लेंथ. ठीक है बाकी के चार हो जाएंगे एक बार रीड कर लो क्वेश्चन. व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल लिखनी है आज ही लिखे हैं. व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल ये भी आज लिखनी है. फिर व्हाई डज सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग वो भी लिखे थे कल. सनसेट के समय भी रेडिश दिखेगा दोनों पॉइंट है ना. और लास्ट व्हाई डज sky appear dark instead of blue to an astronaut. Maybe likhe the. Wahan air nahi hoga. No scattering. Theek hai na?
ये चैप्टर कंप्लीट होता है, संडे का मैंने टेस्ट बोल दिया है, मैंने आज ग्रुप में भी डाला है, ठीक है, तो बाकी लोग संडे को टेस्ट देंगे इस चैप्टर, ठीक है, चलिए थैंक यू। बाकी अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, कौन सा चालू करना है, कंट्रोल एंड कॉर्ड।